लेकिन जो घोटाला हुआ है शराब का, ये तो बहुत गलत है। मोदी जी ने क्यों कराना? उसने गलत काम किया तो अंदर गए। काम के मामले में उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। वो पता है कि केजरीवाल ने काम किया तो सपोर्ट उसे मिलेगा। ये बसों में जो किया हुआ है और जो बिजली फ्री की हुई है, पानी वगैरह, ये सब अच्छा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले को लेकर पिछले कई दिनों से जेल में हैं। इसको लेकर के आज हम दिल्ली की बसों में मौजूद हैं और बसों में जानेंगे जो लोग हैं वो क्या कुछ सोचते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, कि जिस तरह से उनको जेल हुई है, क्या वाकई में जो जेल हुई है वो सही हुई है या फिर एक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया है। अनिता जी, केजरीवाल के जब नाम आता है तो क्या क्या दिमाग में आता है, कैसे नेता हैं वो? ठीक है, जिस तरह से दिल्ली में हो रहा है सुधार उस तरह से तो ठीक है, लेकिन जो घोटाला हुआ है शराब का, ये तो बहुत गलत है। उन्होंने एक के साथ एक जो फ्री की थी ना वो दारू, जैसे हमारे जो जान पहचान के लोग हैं वो भी डबल दारू पीना शुरू हो गए थे, तो वो तो गलत है। यानी वो जेल में गए? सही है, वो सही है, जो चीज़ें गलत हैं वो तो गलत है, तो वो जेल में गए हैं। तो कुछ जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि जानबूझ करके कि मोदी की चाल है, इस तरह से अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। देखिए, हम तो घरेलू लेडीज हैं या ज़्यादा से ज़्यादा जॉब कर ली, लेकिन जो मेन चीज़ है वो हमें नहीं पता। हमें तो जो पता है उसके बारे में हमें ये गलत लगा है कि एक के साथ एक फ्री करने की वजह से जो लोग थोड़ा सा पीते थे वो ज़्यादा पीने लगे। मेरे खुद हस्बैंड डबल कर दी थी उन्होंने। मैं तो माता जी, आप क्या सोचते हैं केजरीवाल के बारे में, कैसे नेता हैं? बेटा, हम क्या सोचते हैं, क्या बताएं? अब हमें तो अंदर की बात तो हमें भी नहीं पता बेटा। दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के कामकाज की अगर बात की जाए, तो किस तरह के उन्होंने काम कराए? काम तो ठीक है, लेकिन मेन जो शराब का पर्पस है ना बेटा, उस वजह से देखो हमारे हस्बैंड भी पीते हैं। अब स्कूल्स के साथ भी उन्होंने खोल दिए, ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होगी। अब मोदी जी को कहें कि मोदी जी ने कहा, वो ऐसी बात नहीं है। मोदी जी ने क्यों कराना है? नहीं, उनका क्या वो है, मतलब यही है कि जो ये शराब का ना, इसमें बच्चों को बहुत असर पड़ा है बेटा। पता क्या है, माहौल खराब है। हमारे हस्बैंड भी पीते हैं, फिर जब एक के साथ एक फ्री लोग भागते, पता है डबल बन, कई लोग मरे भी बहुत है। सही तरीके से उनकी जेल हुई है? हम ये नहीं कहते सही तरीके से बेटा, हम किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते जेल हुई है कि नहीं हुई है। हम कोई वो नहीं है बेटा। अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, कैसे नेता हैं? भाई, नेता तो ठीक है था। अभी उनको जेल हुई है और लगातार जो ईडी है उन पर शिकंजा कसा हुआ है, घोटाले के उनपे जेल हुई है, क्या लगता है जो उनके जेल हुई है वो सही हुई है? भाई, हम तो हरियाणा के, हमें इतना तो ज्ञान है नहीं। केजरीवाल को तो आप जानते ही होंगे, अब उनका नाम आता तो किस तरह की उनकी छवि आपके मन में आती है? छवि तो भाई, अब तो गलती ही हुआ है, गलती काम हुआ है ना, गलत काम है इसलिए वो अंदर गए। हाँ, उसने गलत काम किया तो अंदर गए, गलत काम का गलत नतीजा होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए बिल्कुल। इससे पहले भी दो बड़े मंत्री हैं जिसमें उप मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। अभी आगे भी और कुछ नंबर आने वाले हैं नेताओं के, क्या आगे और भी आ सकते हैं? हाँ। गलत काम करने वाले को हमेशा जेल भेजना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं बस में मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दिल्ली सरकार के केजरीवाल की अगर बात की जाए तो कैसे नेता आपको लगते हैं, क्योंकि आप भी दिल्ली में रहते हैं, उनके कामकाज की बात की जाए और जिस तरह से उनको अभी जेल हुई है, तो दोनों को लेकर क्या सोचते हैं? चलो सर, मैं आपको फर्स्ट स्टार्टिंग से बताता हूँ। काम के मामले में उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। सबसे ज़्यादा देखो दिल्ली के अंदर बसें कितनी आ गई है, कंडक्टरों की भर्ती उन्होंने निकाली है, और दिल्ली में जो उन्होंने बिजली फ्री करी थी उसके हिसाब से देखो, अगर एक घर में आप एक एसी लगाते हो, अलग फ्लोर पर दूसरा एसी लगाते हो, तीसरे फ्लोर पर तीसरा एसी, सबका बिल बिल्कुल कम आता है। वरना इतनी भरी गर्मी में बिना एसी के कोई नहीं रह पा रहा। तो उन्होंने और एजुकेशन में देखो कितने अच्छे अच्छे स्कूल तैयार करवा दिए, काम उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे करे। बस अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई उन्होंने क्या गलत करा गया या किस केस शराब नीति घोटाले में उनको जेल हुई है। शराब की बात सब देखो, ये बात बोलनी नहीं चाहिए। आप ऑल ओवर दिल्ली मान के चलो, बीजेपी के ये लोगों ने जब स्कीम निकली थी एक के साथ एक फ्री, क्या बीजेपी के लोगों ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया था? बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, सभी ने उठाया था। ऑल ओवर दिल्ली, क्या अदर स्टेट वालों ने भी आके दिल्ली से एक के साथ एक फ्री का फ़ायदा उठाया था? तो अगर लोग जब उस बेनिफिट का फ़ायदा उठा रहे थे और अब इस स्कैम के अंदर उनको किसी कारण फंसाया जा रहा है, या गलत है मुझे नहीं पता, बट तो जब उसने इतना बढ़िया काम करा था तब तो किसी ने कोई वाई वाई नहीं करी। अब यह कि हाँ, भैया बता दिया कि हाँ केजरीवाल जेल में है, चुनाव करीब हैं, तो क्या लगता है कि इसका असर आम आदमी पार्टी को जमीन कोई नहीं? देखो, सबको पता है कि केजरीवाल ने काम किया तो सपोर्ट उसे मिलेगा।
बस में दो महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी हम उनका ओपिनियन जानेंगे, क्योंकि महिलाओं के लिए खासतौर पर अरविंद केजरीवाल ने जो बस कोई सेवा है वो फ्री की है। आपका नाम क्या है? दिव्या। दिव्या, आप दिल्ली की बसों में चल रहे हैं और केजरीवाल ने बस को फ्री किया हुआ है, तो नेता कैसे हैं केजरीवाल, कैसे सोचते हैं आप? अच्छे हैं। क्या काम है उनके जो आपको अच्छा लगे? ये बसों में जो किया हुआ है और जो बिजली फ्री की हुई है, पानी वगैरह, ये सब अच्छा है बस। जेल में हैं वो आपको पता है अरविंद केजरीवाल, तो जेल में गए हैं, शराब एक पे एक फ्री बेच रहे थे, इसके लेकर के वो जेल में गए हैं, तो क्या जो जेल में गए हैं वो सही गए? नहीं। जिसके लिए जो अच्छा करेगा तो उसको अच्छा ही लगेगा। शराब बेचना, उसमें घोटाला करना, ये अच्छा है? नहीं, हमारे लिए तो अच्छा कर रहे हैं ना। और कोई भी आगे चलता है तो उसके पीछे बहुत सारे होते हैं, पीछे बहुत लगते हैं, कोई भी इंसान अगर आगे जाता है तो, जैसे करियर में हो गया, कोई भी पीछे लगने वाले तो बहुत होते हैं। बहरहाल हमने यहाँ सरकारी बस में हमने लोगों से बातचीत की, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से जेल किया गया है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जिस तरह से उन्होंने घोटाले करे हैं, इससे पहले भी दो बड़े नेता भी जो जेल में हैं, जो घोटाले करे हैं उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए थी। और अब ऐसे में देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल की अब अगली जो सुनवाई है 29 अप्रैल को है, क्या कुछ निर्णय सामने आएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।